प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज फर्स्ट नंबर मतलब प्रोडक्ट एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वॉट 2.4624. इफ वन ऑफ द नंबर इज 0.5 मतलब सपोज फर्स्ट नंबर है मेरा 0.57 देन वॉट इज द अदर नंबर तो ये मेरा अदर नंबर इज इक्वल टू 2.4624 तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा डिवीजन ही हो जाएगा ठीक है तो अदर नंबर इज इक्वल टू अपॉन 0.57 ठीक है अब यहाँ पे पहले क्या करो कि डेसिमल निकाल दो जैसे टू सॉरी 24624 होल डिवाइड बाय 10,000 इनटू 100/57 तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए अब ये जो 24624 है उसको डायरेक्टली डिवाइड करो 57 से तो आपको मिलेगा 432 डिवाइड बाय व्हाट 100 तो आंसर क्या आएगा 4.32 ओके क्वेश्चन 13 सॉरी क्वेश्चन 12 A rope 30.48 meter long is to be divided into 12 equal pieces. Find the length of each piece. देखिए पहले तो total length of rope क्या है? meters. ठीक है? Number of pieces कितने हैं? तो 12. So the length of each piece is 30.48 divide by 12. Decimal निकाल दो into 1/12. ये 3048 है ना उसको directly divide कर लो 12 से तो answer आएगा 254. Divide by 100 which is equal to what 2.54 meters chale question number 13 a school uniform requires matlab pura ek school uniform ko banane mein 1.15 meter cloth chahiye How many uniforms can be prepared from 23 meters? मतलब total length कितना है? Total material का length कितना है? 23 meters. ठीक है, तो कितने number of uniforms कितने बनेंगे? Number of uniform is equal to total length करूँगी मैं divide by 1.15. तो 2300/115, which is equal to 2300/115 which is equal to 20 ठीक है मतलब कितने यूनिफॉर्म्स बनेंगे 20 बनेंगे नाउ 14 इफ 58 बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विथ दिस 504.6 लीटर्स ऑफ वाटर देन वॉट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट्स देखिए टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितना है टोटल नंबर ऑफ बकेट्स है 58 और कैपेसिटी कितनी है कैपेसिटी है 504.6 की सो कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट
इज 404.6 डिवाइड बाय 58 विच इज इक्वल टू 8.7 लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो से हम डेटा हैंडलिंग ले लेंगे। डेटा हैंडलिंग भी इतना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।